एमपी के राजगढ़ गरीब के प्रधानमंत्री आवास पर चला बुलडोजर, साथ में तोड़ दी झोपड़ियां। आपको बता दें कि नगर नरसिंहगढ़ में आज एक गरीब के मकान पर नगर पालिका ने बुलडोजर चलाया। क्या कहना है नगर पालिका अधिकारी का एवं जिसका मकान टूटा उनका, खुद सुन लीजिए उनकी जुबान से। नाम शिवचरण, पिता देवी सिंह कुशवाहा, जाति कुशवाहा, पत्नी तारा कुशवाहा, बड़े बेटा अनिल, पत्नी रामकली, राजा किरण कुशवाहा, पुष्पा कुशवाहा, वार्ड नंबर 5 रामकुंड वसूड़ गली में। टोटल 7, 8 से 10 लोगों का परिवार है। बारिश का समय चल रहा है, इस परिस्थिति में किसी का मकान तोड़ना कहाँ तक जायज है? मकान तोड़ा वहां तक तो ठीक, लेकिन पास में बनी झुग्गी झोपड़ियों को भी तोड़ना, क्या कहना है मकान मालिक का? हमारे साथ गलत हुआ, आइए आपको भी सुनाते हैं। तो ये जमीन जो चोरा ने पहले बेच दी, हमें नहीं है पता। और ये घर तो हमारे पुराने जमाने से बने हुए हैं, 60 साल। जमीन किसको बेच दी गई है? जमीन इधर बेच दी। किसने बेची, नाम कुछ याद है आपको? वो हमारे छोरा ने बेची है, गोपाल ने। किसको बेची है? वो कोई नारायण सिंह कुमार है। नारायण सिंह कुमार के पामार, कुमार पामार है, पामार। वो नाम नहीं आया, उसको बेची है। तो ये प्रधानमंत्री आवाज आपको दे दिया गया था, फिर तोड़ा क्यों गया? अब पता नहीं क्यों तोड़ा, उनने तो आके टापरी तोड़ी और फिर आके और घर में के जेसी भी आ गई, हट जाओ जाओ, मैं तुम इनकी मेरे ऊपर चढ़ा दो, जेसी भी चली गई थी, मैं जेसी भी आ गया, मुझे मार दो इनकी, मुझे मार दो। वो मैडम भाई पकड़ के लिए आई खींच के, मुझे उल्टी हो रही थी मुझे तो। कितना साल पुराना लगभग ये मकान है? ये मकान तो 600 साल हो गई हमें यहाँ रहते रहते, हमारे पुराने बाप दादा इसी जगह मर गए, 70 साल की उम्र तो मेरी हो गई। तो अभी आप क्या कहना चाहती हैं? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारा ये मकान ऐसा कैसे खड़ा रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत करे कि इधर हमें मत निकालने दो, तो हम तो उधर कर लेंगे रास्ता। लेकिन हमारा मकान बनना चाहिए, हमारा मकान बना के दो तुम तो, हम नहीं चाहें कुछ, जैसा बन गया था हमारा मकान जैसे ही बन जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।